हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देख सकते हैं, आज है फ्राइडे और आज है मेरा व्रत। तो मैंने अभी पूजा जस्ट किया है, तो वीडियो मैंने अभी स्टार्ट किया है। ये देखो आ रहा, वो फीवर आ रहा है कल से, तो आ रहा है यहाँ बैठी मामा पूजा कर रही थी। कितने आ रहा है आयरा की तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब उसको फीवर आ रहे हैं कल से, रात भर आयरा परेशान की है। और आज मैं फ्राइडे था तो मेरा व्रत था, तो ये अभी मैंने जस्ट किया। अब हम लोग मैं जा रही हूँ मंदिर, दुर्गा मंदिर, थोड़ा वहाँ पे जाओ देख लो। जाओगी? जाओ देख फिर मंदिर चलोगी? मंदिर में जाओगी? हाँ, दर्द हो रहा है आयरा को, दर्द हो रहा है, तबीयत ख़राब है आयरा की। और आज मतलब कल रात से ही हो गया था फीवर वगैरह, तो इसलिए बहुत वीकनेस हो रही है उसे। तो ये देख सकते हैं, अभी मैं मंदिर जाऊंगी, दुर्गा मंदिर, वहाँ पे दीपक जलाने के लिए। तो अभी चलते हैं मंदिर। ये देखो, ये देखो गाइस आयरा को, ये देखो आयरा क्या कर रही हो बताओ। तो गाइज मैं आई थी मंदिर, दुर्गा मंदिर, और यहाँ हनुमान जी का और शंकर भगवान का, सबका यहीं पे आते हैं जो हमारे घर के पास है। तो मैंने सब जगह दीपक जलाया है, तो यहाँ पे भी जला दिया। ये देखो माँ दुर्गे का, जो मैं नवरात्र टाइम में नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि बहुत देर रहता था इस वजह से। तो ये देखो माँ दुर्गे का है, और आज फ्राइडे था तो मैंने सोचा चलो माँ दुर्गे का दीपक जलाते हैं, माँ लक्ष्मी एंड माँ दुर्गे का दिन ही होता है, तो इस वजह से। बस हम लोग यहीं पे हैं, आयरा घूम रही है थोड़ा सा, आयरा का बहुत थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है कल से, तो बहुत सुस्त हो गई है। और ये देखो आयरा, आ जाओ देख लो, नहीं देखेगी, ये देखो आयरा जुकाम भी हो गया है, खांसी भी आ रही है। अरे मतलब आ जा मामा को, आ जा बाबू, हमारी तबीयत ख़राब हो गया, रात भर परेशान थी। तो गाइस जब हम लोग घर जा रहे हैं, आयरा देखो जा रही है, आयरा को भी गोदी लेना पड़ेगा क्योंकि आयरा की तबीयत खराब है बहुत, आयरा को वीकनेस हो रहा है ना बेटा, दर्द हो रहा है पैर ना, आयरा को दर्द हो रहा है। तो चलो चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आप लोगों को घर पे। गुड मॉर्निंग, आज कल का मैंने ब्लॉग ये नहीं किया था, मैंने सोचा तो जाऊँगी तो, लेकिन आयरा का तबीयत थोड़ा ख़राब हो ज़्यादा, तो इस वजह से नहीं हो पाया था। और ये देखो आयरा की क्या हालत हुई, जुकाम, नाक देखो गहरा है, जाओ देखिए और रुमाल ले जाओ। तो और बहुत सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है और फीवर भी आ रहे हैं। हाँ, और ये सब है। तो नहीं, मैंने कल ब्लॉग नहीं एंड किया था, तो चलो आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं दिखाएंगे कि आज क्या क्या करते हैं। तो ये देखो अभी आयरा का सुबह मालिश मैंने कर दिया है, अब इनको अच्छे से गर्म पानी करके इनका शरीर को अच्छे से पोंछ देंगे और कपड़ा चेंज कर देंगे, क्योंकि फीवर आ रहा है तो इसमें नहलाएंगे नहीं इनको। और क्या दे? तो ये सब है। तो चलो जल्दी से डिनर बनाते हैं, फिर आयरा का रेडी करते हैं। आयरा का कल से थोड़ा, कल नहीं परसों से ही तबीयत ख़राब है, और फिर दवा खा रही है तो सही हो जा रहा है, बट फिर फीवर आ जा रहा है, बहुत दिक्कत है इसको, और जुकाम भी हो गया है तो नाक भी बंद हो जा रही है, तो ये सब हो रहा है। गाइस अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं और आयरा यहाँ बैठे हैं, और अभी जस्ट मैंने लंच किया है और घर का सारा काम फिनिश हो गया है। अब मैं आयरा को लेके नीचे जा रही हूँ, काऊ को कुछ खाने के लिए देना है, आयरा देगी। और जो मैंने कल वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा था, तो जो उसमें कलश स्थापित करते हैं यानी कि चावल रखते हैं, उस चिड़िया को देते हैं, तो वो मैं जा रही हूँ चिड़िया को देने के लिए नीचे, तो उसको वहाँ रख देंगे। हाँ चलेंगे बेटा, छोड़ कोई बात नहीं है ना, उससे कुछ दिखेगा तो जाएंगे, वो मुझे ले आएंगे, काऊ को दे देंगे, चिड़िया को दे देंगे, और चलेंगे ठीक है। और चलो, तो चलो गाइस चलते हैं नीचे, और फिर इसी के साथ मैं ब्लॉग को इन करूँगी। और न्यू ब्लॉग आप करवा चौथ का, जैसे कैसे तैयारी करते हैं, मेहंदी वगैरह भी लगवाना है, तो बस अभी जा रहे हैं, एक मेहंदी लगवाएंगे थोड़ी देर, 4 बजे तक आई किसी को बुलाए मेहंदी लगाने वाली को। और तो हाँ बेटा ले चलते हैं इसको, ले ले चल। तो आयरा का तबीयत थोड़ा पहले से मतलब राहत हो रही है, आयरा भी दवाई पी है, और बस और हम और आयरा नीचे जा रहे हैं। लो बाबा पियो, रुको तुम बाहर रुको मत, नीचे जा रहे हैं चिड़िया को देना है चावल। मम्मी गोदू ले ले, आइए तो रुको गोदू ले लेते हैं। ये देखो आयरा गोदू ले रही मम्मा की, और हम और आयरा नीचे।
भी घूम के आए हैं अब, तो आयरा को थोड़ा देर घुमा दे, धूप भी इस पर लग जाएगा और काम भी हो जाएगा बेटा। मम्मी तो हम लोग आ गए नीचे, ये देखते हैं और आयरा आ रही है पीछे पीछे। बहुत धूप बहुत तेज है, तो ये थोड़ी सी चावल बची थी, काऊ को देना है आयरा बेचैन है, और चिड़िया को डालना था दाना यानी कि जो चावल पूजा का, तो बस उसी के लिए हम लोग आए हैं नीचे। आराम से आराम से, हाँ देखो चिड़िया उड़ रही है, कितनी सारी चिड़िया है। पहले गा, पहले आ जाओ, पहले काऊ, पहले काऊ को दे देंगे उसके बाद है। आ जाओ है यहाँ पे, और आयरा डालेंगे दाना पंछी को यानी कि चिड़िया को देना है। इधर बहुत सारी चिड़िया आती है, ऐसे गिराना नहीं है, अरे अरे ऐसे नहीं गिराना बेटा, इसको चढ़ो तो यहाँ रख देंगे ना ऊपर, यहाँ ऊपर रख रहे हैं। ये देखियो यहाँ पे चिड़िया आती है, लो तुम यहाँ रख दो, तुम यहाँ रख दो, लो यहाँ रख दो, यहाँ छिड़क दो, देखो छिट रही है, यहाँ छिड़क दो, तो यहाँ पे आयरा छिटेंगी। ये देखो आधा हम लोग इधर रख दिए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे आएगी चिड़िया, और आयरा आधा थोड़ा सा इधर भी डाली है क्योंकि आयरा ऊपर नहीं पहुँच पा रही थी, और इधर थोड़ा सा इधर मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे आएगी चिड़िया और खा लेगी। तो हमने दाना डाल दिया है चिड़िया के लिए, आयरा को यहाँ पे लेके आई हूँ पार्क में, हमारे कैंपस के अंदर ही है, और ये देख सकते हैं कितना सारा इसमें ग्रास है और कुछ भी बहुत इसमें कचड़े हैं लेकिन आयरा जिद कर रही थी तो इस वजह से लेके आना पड़ा। अब ये देखो कहाँ जा रही है आयरा, गेट से बाहर। अब आयरा इधर घूम लो, इधर थोड़ा सा साफ है, इधर आ जाओ, ये देखो इधर थोड़ा सा साफ है, नहीं तो इधर बहुत सारे ग्रास और गंदे हैं, उधर बहुत सारी मिट्टी है, तो देख ही सकते हैं तो खेलने लायक नहीं है। तो फिर भी आयरा जिद कर रही थी इसलिए लेके मैं आई हूँ, तो ये देख सकते हैं। आज हम लोग आ गए घूम के, और देखो आयरा क्या कर रही है, आयरा नींद भी नहीं है, अब आयरा सोई और आयरा बहुत देर नीचे घूमी है और खेली है, उसके बाद हम लोग आए हैं, और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी मेहंदी वाली आएगी तो उससे लगाऊँगी। तो बस यही सब है और सारा काम फिनिश ही हो गया है, बस मेहंदी ही लगवाना है, और दिखाऊंगी क्या क्या तैयारी की हुई। मैंने पूजा का बहुत सारा सामान मैं लेके चली आई थी एक दो दिन पहले ही, ताकि क्या होता है ना कि अभी जाओगे ना तो बहुत भीड़ रहती है बहुत सारा, तो इसलिए मन नहीं होता है, उसमें समझ नहीं आता क्या करना है क्या लेना है, भूल ही जाती है, बहुत क्राउड रहता है, तो इस वजह से मैं दो दिन पहले लेके आई थी पूजा का सामान जो मैंने आपको उतना शेयर नहीं किया था। बट अब देखिएगा कल करवा चौथ के दिन ही क्या क्या मैंने दिखाऊँगी ब्लॉग में, तो बस यही सब है। तो अभी रेस्ट करते हैं, फिर यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि कल का ब्लॉग था और थोड़ा सा मैंने कल वीडियो बनाया था और आज का, तो आज मैंने अभी तक मैंने शेयर किया, फिर इवनिंग का मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और तो चलो भाई तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। कर दो आयरा का तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा सुस्त हो गई है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।